नमस्कार दोस्तों, मैं किशन जायसवाल और आप देख रहे हैं किस्मम अकेडमी 9th एंड 10th। ट्रेंगल का पूरा थ्योरम आपका खत्म हो गया, 6.3, 6.4, 6.5, और उसके बाद आप लोगों का एग्जाम्पल के क्वेश्चंस भी सारा करा दिए हैं। आज हम लोग 6.3 एक्सरसाइज को कंप्लीट खत्म करेंगे एक ही वीडियो में, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा क्योंकि शुरू में जब हम जो बताएंगे उसको समझना जरूरी है, क्योंकि स्टार्टिंग वाला जो पॉइंट है वो इसलिए समझना जरूरी है क्योंकि वो मैक्सिमम क्वेश्चंस में मतलब एज अ टूल काम करेगा। इसीलिए उस टूल को अगर आप नहीं समझेंगे तो क्वेश्चंस बनाने में आपको तकलीफ होगी, ठीक है ना। 6.3 का क्वेश्चंस बनाने से पहले एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम चर्चा करेंगे। वैसे चर्चा हो चुका है लेकिन बावजूद उसके हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। कारण यह है कि मान लीजिए पहले वीडियो कोई अगर देख रहा है तो उसे हो सकता है कि ये बात समझ में ना आए हम जो कर रहे हैं। इसमें एक बात लिखा हुआ है, इसको पढ़ते हुए समझते हैं, ठीक है। लिखा है कि इट मस्ट बी नोटेड दैट एज डन इन द केस ऑफ द कॉन्ग्रुएंसी ऑफ टू ट्रेंगल्स, द सिमिलैरिटी ऑफ टू ट्रेंगल्स शुड ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड सिंबॉलिकली यूजिंग करेक्ट करस्पॉन्डेंस ऑफ दियर वर्टिसेस। फॉर एग्जाम्पल, फॉर द ट्रेंगल्स ए बी सी एंड DEF in figure 6.22, we cannot write triangle ABC is similar to triangle EDF। ये पूरी कहानी का मतलब है कि जब हम लोग congruency चैप्टर पढ़ रहे थे 9th में, उस समय इस सिंबॉलिकली वर्ड का कोई महत्व होता था? ABC is triangle congruent to triangle DEF, तो इस समय क्या मतलब होता था, याद करिए। मतलब हो ये होता था कि ए बी जो लंबाई है वो किसके बराबर रहेगा। हमको फिगर नहीं दिया है, बावजूद इसके अगर ये बात दे दिया है तो हम जानते हैं कि पहला दूसरा और पहला दूसरा बराबर होगा। ऑर्डर मैटर करता है। अगर हम बी सी की लंबाई लेते हैं तो बी सी की लंबाई किसके बराबर होगा, ई एफ के बराबर होगा। और अगर हम ए सी लेते हैं, बीच में बी छोड़ते हैं, तो इधर डी एफ लेंगे, इधर भी बीच में ई छोड़ेंगे। बात समझ में आया? तो ये तो हो गया साइड के तुलना किए तब कि कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स बराबर होंगे। फिर एंगल पे आते हैं तो एंगल ए किसके बराबर होगा, तो एंगल डी के बराबर होगा। एंगल बी किसके बराबर होगा, तो एंगल ई के बराबर होगा। एंगल सी किसके बराबर होगा, एंगल एफ के बराबर होगा। ये पहले से भी जानते हैं। तो अगर ये कॉन्ग्रुएंसी सही है, अगर ये वाली बात सही है, तो अगर कोई बच्चा यहाँ पे ये लिख दे कि ट्रेंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रेंगल क्या, ई डी एफ, क्या लिख दे, तो डी ई एफ ट्रेंगल तो वही है, ट्रेंगल तो वही है, बात को समझो। लेकिन ये लिखावट क्या माना जाएगा, गलत मान लिया जाएगा। जैसे ये आप ट्रेंगल लिए हो, कोई दिक्कत, अब ये दो ट्रेंगल लिए हो, इसमें हम कह दिए कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, ये एफ है, तो कोई बच्चा अगर ये लिख दिया तो ये गलत क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसका मतलब हो जाता है कि ए बी की लंबाई किसके बराबर हो गया, ई डी के। तो ई डी के है क्या, देखते हैं, तो ई डी के तो है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ए बी और ई डी को ए कहा जा सकता है कि नहीं, डी ई को ई डी कह सकते हो ना, तो पहला वाला तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये सही है। लेकिन दूसरा वाला फिर मैच नहीं करेगा, ये बीसी हो गया और ये डीएफ हो गया, क्योंकि कौन वाला छोड़ोगे, बीच वाला। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, क्लियर है बात। तो अब देखो ये गड़बड़ कर देगा, बीसी की लंबाई डीएफ के बराबर नहीं होगा। बीसी ये है और डीएफ ये है, तो ये लंबाई तो इसके ना बराबर था, तो इसीलिए ऑर्डर मैटर करता है। और ऑर्डर जब मैटर करेगा तो अगर एक बार लिखावट अगर ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रेंगल डी ई एफ है तो ये गलत मान लिया जाएगा। क्लियर है बात, ये बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर तुम एक और काम करते हो क्या, कि ए बी सी को लिख देते हो बी सी ए, क्या लिख देते हो, बी सी ए, तो निश्चित रूप से अब अगर तुम ट्रेंगल लिख दो डी ई एफ तो फिर गलत होगा। डी ई एफ लिख दिए तो फिर गलत होगा, क्यों गलत होगा, क्योंकि तुमने इधर ऑर्डर चेंज किया तो इधर भी ऑर्डर चेंज करना पड़ेगा। तो एंगल भी किसके बराबर है, ई के, तो पहला पोजीशन पे ई आएगा,
सी किसके बराबर है? एफ के। तो दूसरा पोजीशन पे एफ आएगा, ए पहला पोजीशन पे है तो कौन आएगा? अब सही है। तो सेम डिटो चीज ऑर्डर मैटर वाला कहानी सिमिलरिटी में भी लगता है। अगर आपका ट्रेंगल एबीसी अगर सिमिलर है किसके? डीईएफ के। अगर ट्रेंगल ए बी सी सिमिलर है किसके? ट्रेंगल डीईएफ के। तो यहां पे अगर कोई बच्चा लिख दिया एबीसी ट्रेंगल इज सिमिलर टू ट्रेंगल ईडीएफ, तो ये गलत हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आ गई बात? ये गलत मान ली जाएगी। या फिर कोई लिख रहा है एबीसी ट्रेंगल सिमिलर टू ट्रेंगल एफईडी, ये भी गलत है, क्योंकि सही केवल एक ही हो सकता है, डीईएफ वाला। बात समझ में आया? हाँ, अगर तुम यहां पे चेंज कर देते हो, जैसे बीएसी कर देते हो, यानी बीच वाला को शुरू में कर देते हो, ए बाद में कर देते हो और सी बाद में कर देते हो, तो तुम भी यहां पे भी क्या कर दो, जैसे बी पहले लाए हो तो ई को पहले ला दो, और ए को बाद में लिए हो तो डी को बाद में कर दो, और एफ अपना रहेगा तो ईडीएफ, ये सही हो जाएगा। समझ में आया? मतलब अगर आप ए लेफ्ट हैंड साइड में ऑर्डर चेंज करते हो तो राइट में भी कर सकते हो, लेकिन ध्यान देना पड़ेगा कि वो बराबर है कि नहीं। पूरा इसी कॉन्सेप्ट पे तुम्हारा एक्सरसाइज 6.3 का पहला क्वेश्चन मिलेगा। क्वेश्चन समझ में आ गया? अब ये जो पहला क्वेश्चन है इसमें एक्सरसाइज 6.3 का, एक्सरसाइज 6.3 का, उसमें सीधा लिखा है कि स्टेट विच पेयर ऑफ ट्रेंगल्स इन फिगर 6.34। जितना भी फिगर देख रहे हो अभी पहला नंबर क्वेश्चन का, वो सारा फिगर क्या है? फिगर 6.34 है। आर सिमिलर, है ना? स्टेट विच पेयर ऑफ द ट्रेंगल आर सिमिलर, यानी कि कौन पेयर जो है वो सिमिलर है। जैसे एक पेयर ये है, दूसरा क्वेश्चन में भी पेयर है, अब आगे जाओगे तो तीसरा क्वेश्चन में मिलेगा। तीसरा क्वेश्चन में भी दो ट्रेंगल का पेयर है, चौथा में भी दो ट्रेंगल का पेयर है, उसी तरह से पांचवा भी ट्रेंगल में पेयर है और छठवा में भी पेयर है। तो तुमको क्या करना है कि प्रत्येक पेयर को देखना है और बताना है कि कौन सा सिमिलर है और कौन सा सिमिलर नहीं है। केवल इतना ही नहीं करना है, और एक काम करना है कि राइट द सिमिलरिटी क्रिटेरिया यूज्ड बाय यू फॉर आंसरिंग द क्वेश्चंस। अगर तुम कह रहे हो कि ये सिमिलर है, तो सिमिलर के लिए सिमिलरिटी क्रिटेरिया लगती है, बोलो? तो सिमिलरिटी क्रिटेरिया जब लगेगा तो कौन सा लगा? ट्रिपल ए सिमिलरिटी लगा, ट्रिपल एस सिमिलरिटी लगा, साइड एंगल साइड सिमिलरिटी लगा, या एंगल एंगल सिमिलरिटी लगा? इतना ही ना पढ़े हो? वैसे होता राइट एंगल हाइपोटेनस साइड सिमिलरिटी भी होता है, आरएचएस सिमिलरिटी भी होती है। बात समझ में आया? वो भी प्रूफ कर दिया जाएगा, चिंता नहीं करना है, ठीक है? चलिए अब यहां पे आओ। तो पहला ये बात समझ गए, सिमिलर बताना है यस और नो में, सिमिलर है कि नहीं, और दूसरा बताना है कैसे, और भी एक बात बताना है, एंड ऑल्सो राइट द पेयर ऑफ सिमिलरिटी ट्रेंगल सिमिलर ट्रेंगल इन द सिंबोलिकल फॉर्म, सिंबोलिक फॉर्म। यानी कि आप एबीसी ट्रेंगल लिख रहे हो, सिमिलर लिख रहे हो, तो यहां डीईएफ होगा, ईडीएफ होगा, बस समझ में आ रहा है, या एफ डीई होगा, कौन होगा? एक ही ऑर्डर सही होगा, तो वो बताना है, ठीक है? और ये अगर आदत पड़ जाएगा देखने का, तो आप मैक्सिमम क्वेश्चंस बना सकते हो, ये भी दिमाग में रखना, ठीक है? तो पहला बताइए सिमिलर है कि नहीं है। पहला तो सीधा सीधा सिमिलर है, 60 डिग्री 60 डिग्री, 80 डिग्री 80 डिग्री, 40 डिग्री, तो हम कह देंगे यस सिमिलर, यस सिमिलर। दूसरा जवाब बाई एंगल 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 सिमिलरिटी। तीसरा जवाब सिंबोलिकली बोला था, ट्रेंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रेंगल, ए किसके बराबर? पी के। फिर बी बोले थे तो बी किसके बराबर? क्यू के, और सी आर के। अगर यहाँ पे ऐसे घूमे हैं ए बी सी, तो यहाँ पे भी ऐसे ही घूमेंगे, क्योंकि एकदम बराबर बराबर है। बस समझ में आया? पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया, पहला का सोल्यूशन यही है, समझ में आया? अब आ जाओ दूसरा पे, इसमें सिमिलर है कि नहीं पता करना होगा। तो एंगल के तो पीछे पड़ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि एंगल हमें नहीं दिया है, हमको क्या दिया है? साइड। तो साइड पहचानना पड़ेगा, कॉरस्पॉन्डिंग कौन है,
है ना, ये नहीं ना कहेंगे कि दो का करस्पॉन्डिंग पांच है। करस्पॉन्डिंग कैसे देखेंगे, इस ट्रेंगल में सबसे स्मॉलेस्ट कौन है, टू है, तो उस ट्रेंगल में भी सबसे स्मॉलेस्ट वाला उसका सिमिलर कहलाएगा, करस्पॉन्डिंग कहलाएगा। बुझा गया, यानी कि दो का डिवाइड किसके साथ, चार के साथ, उसके बाद 2.5 तो उधर 5, फिर इधर 3 तो इधर 6, तो दो का दुगुना 4 होता है, अढ़ाई का दुगुना 5 होता है, 3 का दुगुना, तो ये बराबर है, तो कह देंगे यस। क्या कह देंगे, क्या लिख देंगे, यस। उसके बाद किस सिमिलैरिटी से, हाँ किससे हुआ, साइड साइड से, तो क्या लिख देंगे, यस सिमिलर, पहला जवाब यस सिमिलर, पहला जवाब कौन सा सिमिलैरिटी से, बाई ट्रिपल एस सिमिलैरिटी क्रिटेरिया, सिमिलैरिटी क्रिटेरिया, और सिंबॉलिकली लिखना है। चलिए अब तुम ही बताओगे, हाँ बड़ी बोल रहे हैं, खड़े हो जाओ। एंगल ए के बराबर है एंगल पी ना, हाँ, और एंगल बी के बराबर है, तुम्हारा ही तो जरूरत है यहाँ पे इस धरती पे, तुम्हारा ही तो जरूरत है इस धरती पे, हम सोच रहे थे कि कहाँ थे इतना देर से, तो हम खुटवा वही गाड़ेंगे। अरे गधा है, बराबर कहाँ है, लंबाई बराबर है जी, इक्वल है, इक्वल को बराबर नहीं कहते हैं ना। अरे बाप रे बाप, अरे भाई देखने का तरीका देखो, यहाँ पे तुमको, तुम कोई ध्यान ही नहीं दिए, कह रहे ऊपर वाला ऊपर के बराबर, नीचे नीचे, फिर ये कर दिए, तो ध्यान कहाँ दिए हो, ध्यान कहाँ दिए हो, तुम्हें ध्यान देना पड़ेगा ना। क्या ध्यान दोगे कि ये जो दो है, अच्छा एंगल ए जो बन रहा है वो दो और तीन के बीच है, तो दो का करस्पॉन्डिंग कौन हुआ था, चार हुआ था ना, और तीन का करस्पॉन्डिंग छ, यानी कि चार और छ के बीच में जो एंगल है वो ए है ना। बुझाया, बस समझ में आया, तुमने बहुत कुछ बता दिया हमको, तुमने बहुत कुछ बता दिया हमको, है ना। चलो तो सबसे पहले एक वो तरफ का लिख लो बिना सोचे समझे, ठीक है, एक तरफ का, एक तरफ का क्या कर लेना है, लिख लेना है बिना सोचे समझे, लेकिन दूसरे तरफ का सोचना पड़ता है। तो ट्रेंगल ए बी सी सिमिलर लिखने के बाद ये सोचेंगे कि ए बी जो लंबाई है वो दो था, तो दो का करस्पॉन्डिंग क्या है, चार है, यानी कि क्यू आर, और एक बच्चा बोल दिया आर क्यू, तो गलती बोला है, एक बच्चा बोला क्यू आर, एक बच्चा बोला आर क्यू, तो दोनों तो सही है, लेकिन क्यू आर के बाद पी बचा, तो यहां पी आएगा, यहां पी आएगा, तो या तो ये सही होगा या तो ये सही होगा, दोनों सही नहीं होगा, दोनों सही नहीं होगा, तो कौन सही है कैसे पता करें। तो हम कहेंगे कि एक और साइड को कंपेयर करके देखो, जैसे कि तुम बीसी देखे हो, बोलो तो बीसी कौन है, 2.5, तो 2.5 की सेटिंग किसके साथ, पांच के साथ, यानी कि बीसी जो है वो किसके बराबर होना चाहिए, पीआर के, तो बीसी जो है वो पीआर के बराबर है कि नहीं है, यहां पे देख लो, दूसरा में देखो क्यूपी, तो BC दूसरा तीसरा और यहाँ QP दूसरा तीसरा मैच नहीं ना करेगा, क्योंकि BC ये है, बोलो, और QP ये है, नहीं 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 QP कौन है, ये है, तो QP मैं नहीं ना मैच किया, 2.5 का थोड़ी वो सेटिंग थी, क्लियर है, ऊपर वाला ही क्या है सही है, बात समझ में आया। अब तुमसे इसमें और क्या पूछ सकते हैं, अगर पूछना चाहे तो, कौन कौन एंगल बराबर होगा, कौन कौन एंगल बराबर होगा, तो अब क्लियरली यहां से अगर हम ऑर्डर सही लिख चुके हैं, तो एंगल ए किसके बराबर होगा,
एंगल क्यू के, एंगल बी किसके बराबर होगा, एंगल आर के, एंगल सी किसके बराबर होगा, एंगल पी के। बुझा गया? अब तुम देखोगे भी तो सब मैच करेगा। जैसे एंगल ए किसके बराबर मैच हुआ था बोलो, एंगल क्यू के, तो दो दो कर दिए बोलो। अब आ जाओ एंगल बी कौन है, ये है, तो एंगल बी किससे मैच किया है, आर से। तो देखो यहां पे दो दो दशमलव पांच, चार और पांच सही है ना, मैच किया। अब तीसरा कौन बचा, सी, तो तीन और दो दशमलव पांच, तो छ और पांच, दो दशमलव पांच का पांच था, तीन का छ था, तो ये वाला जा गया। आंख बंद करके जवाब दोगे, सोचोगे नहीं, सब हो जाएगा शीशा लेदर, समझ गए, क्या हो जाएगा, शीशा लेदर। आ जाओ अब अगला क्वेश्चन करते हैं, घबराना नहीं है, ठीक है। हमने क्या बोला कि अगर इस क्वेश्चन को अगर तुम बढ़िया समझ लिए, सिमिलैरिटी का 60-70% क्वेश्चंस को तुम सोच पाओगे कि कैसे बनेगा, कैसे बनेगा सोच लोगे, ठीक है ना। इसीलिए ध्यान इधर, इसमें भी बताना कि ये पेयर जो है सिमिलर है कि नहीं है। तो पहले हम सेटिंग कराएंगे, हाँ तुम कुछ और सेटिंग समझ रहे हो गधो, तुम्हारी मुस्कुराहटें बता रही है कि तुम जो है ना इधर कंसंट्रेट नहीं हो, तुम्हारी दुनिया कहीं और है, वो दुनिया जो है ना खत्म होने में देर नहीं लगती है, फिर दूसरी दुनिया बनाओगे नहीं। आ जा, सबसे छोटा इधर कौन है, दो है, तो दो किसके इधर होगा, सबसे छोटा कौन, सबसे छोटा कौन, चार, दो से जस्ट बड़ा इधर पांच, फिर इधर पहले ही ना लेगा रे भाई, इधर छह, तीन एकम तीन, तीन दुना छह, दो एकम दो, दो दुना सताईस, दुना चौवन होता है, तो पांच दशमलव चार होता तब ना, क्योंकि अढ़ाई का दुगना पांच होता है, तो ये होगा, तो ये बराबर नहीं हुआ। तो जब ये बराबर नहीं हुआ मेरे भाई, तो साइड 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 सिमिलरिटी में एक फेल हो गया, और कुछ दिया नहीं है, और वैसे भी अगर कुछ दिया भी रहता तो भी नहीं कर पाते, क्योंकि सिमिलर होने के बाद तीनों का बराबर होना जरूरी है, जबकि पहले ही हमको पता चल गया बराबर नहीं है। तो और ये मत सोचना कि और एक एंगल दिया होता तो साइड एंगल साइड लगा देते, क्योंकि ये और ये तो बराबर है। कुछ लोग सोच सकते हैं कि ये और ये बराबर है तो साइड एंगल साइड तो लग सकता है, अरे भाई साइड एंगल साइड लगने के बाद दोनों ट्रायंगल हो क्या जाएगा, सिमिलर। तो सिमिलर होने के बाद साइड का रेशियो और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होता है, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल को तो हम चलो कर लेंगे, लेकिन साइड का रेशियो कैसे कर लोगे, जब यहां पे ही मैच नहीं किया है, बराबर नहीं हुआ है, तो रेशियो बराबर कैसे आ जाएगा, इसीलिए नो। आ जब एक जवाब हो गया नो, तो अगर जवाब आ गया नो, इधर देखो, अगर जवाब आ गया नो, समझो जवाब आ गया, तो आगे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। जब सिमिलर ही नहीं है तो किस सिमिलरिटी से सिमिलर नहीं है, काहे लिखेंगे, ठीक है ना, नो नॉट सिमिलर, क्या लिख देंगे, नॉट सिमिलर, उसके बाद सिंबॉलिकली लिखने की भी आवश्यकता नहीं है। बुझा गया, बोलो अब अगला बताओ, अगला सिमिलर है कि नहीं, हाँ हाँ, आंख बंद करके बोलते रहो खाली, ये पांच है भाई, इधर पांच का पांच मैच होगा नहीं ना, चेक कर रहे थे, सबसे छोटा इसमें दो दशमलव पांच, तो उसमें सबसे छोटा पांच, उसके बाद यार ये क्या तू लोग तुमको देख रहे हैं कभी से, कभी हाथ में लेके पता नहीं क्या कर रही है, और फिर बात कर रही है, क्या चाहती हो, फेल होना है, हाँ नहीं ना, दो दशमलव पांच डिवाइडेड बाई पांच, और इधर पांच डिवाइडेड बाई, तो अढ़ाई का दुगना पांच है, पच्चीस का दुगना पचास होता है, अढ़ाई का दुगना पचास हो जाएगा, बहुत बढ़िया हो जाएगा, तब तो अढ़ाई रुपया देंगे पचास रुपया ले लेंगे, एक बटे दो, ये बराबर है, जब ये बराबर है तो साइड एंगल साइड जैसा फील आ रहा है, लेकिन ये एंगल और ये एंगल बराबर होना चाहिए, तो बराबर है सत्तर सत्तर डिग्री,
तो कह देंगे यस सिमिलर, यस। तो बोला किस सिमिलरिटी से, तो भाई साइड एंगल, साइड पढ़े हो ना, एंगल को बनाने वाला साइड का रेशियो और बीच का इंक्लूडेड एंगल बराबर हो तो साइड एंगल साइड सिमिलरिटी सिमिलर हो जाता है, सिमिलर होते ही सिंबोलिकली बोला है लिखने के लिए। चलो सिंबोलिकली बताओ तो जी, एक तरफ तो आंख बंद करके लिखेंगे एम एन एल, एम एन एल, अब तू यहां बता क्या लिखेंगे, सोचो जल्दी, तुम लोग भी सोचो, कमेंट करो, ऐसे नहीं पढ़ाई होता है, देख रहे खाली ऐसे थोड़ी होता है, हाँ बोलो जल्दी, हाँ पी क्यू आर, सही बात, नहीं हो गया गलती, देख बेटा जल्दी में हो जाती है गलती, इसीलिए आराम से सोच और आराम से कर, देख घबराना नहीं है। सबसे पहले ये देख कि एंगल एम जो है वो 70 डिग्री है, तो अगर एम 70 डिग्री है तो एम वाला कौन है, तो पहला पोजीशन पे तुमने लिखा एम, तो उधर पहला पोजीशन पे लिखा आएगा क्यू, क्योंकि 70 70 का मैच 100% है, तो पहला पोजीशन पे हो गया क्यू। अब उसके बाद है एन एन, तो एम एन देख, एम एन देख, एम एन कौन है, एम एन कौन है, 2.5, 2.5 का सेटिंग 5 के साथ, तो अगर Q बोले हो तो Q के साथ क्या लोगे तो काम बनेगा तुम्हारा, P लोगे तो Q P। अब बेचारा तीसरा तो मजबूरी है ना, उसको भी देखोगे वो अपने आप होगा, बुझा गया, देखने आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मैंने स्पीड नहीं ना पढ़ा रहे हैं, एकदम आराम से पढ़ा रहे हैं, एकदम होले होले स्कूल में नहीं पढ़ाते ऐसे, बच्चे समझते ही नहीं है, नहीं कोऑपरेट तो कर ही रहे हैं, कमी थोड़ी कहीं कर रहे हैं, बस हमको कह रहे तू कोऑपरेट कर भाई, आ जाओ इधर, इधर आ जाओ इस, अच्छा इसमें दो को क्वेश्चन था ना, दोनों हो गया, नहीं आ जाते हैं इधर, बीच में पड़ गया दरार, थोड़ा सा बड़ा दरार चला जाए, नहीं आ जाओ इधर, बताओ सिमिलर है कि नहीं है, पहले देखो गड़बड़ होने का संभावना कैसे बनता है कभी कभी, इसमें छोटा कौन है 2.5, उसमें छोटा कौन है 5, इधर और उधर, तो सही तो है, तो सिमिलर होगा, 80-80 डिग्री भी है, फिर भी गलत है, फिर भी नहीं है सिमिलर, इसीलिए बोले ना कि दिमाग जो है लड़कियों के पास क्या होता है, हम नहीं बोलेंगे भाई, बहुत बार बोल दिए विवाद हो जाएगा, समझने वाले समझ गए, नहीं आ जाओ इधर देखते हैं, तुमको जब साइड एंगल साइड लगाते हो तो ये बताया गया है कि दोनों जो साइड का रेशियो बन रहा है उसी के अंदर इंक्लूडेड एंगल होना चाहिए, जबकि तुम यहां देख रहे हो कि ये जो एंगल है तुमको जो दिया हुआ है वो यहां होना चाहिए था, तभी ना साइड एंगल साइड लगेगा रे भाई, दोनों साइड का इंक्लूडेड होना चाहिए, समझो बात, पहले तो एक लाइन करने सीखो, एक लाइन दो लाइन दो लाइन, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एक लाइन दो लाइन, तीन बार बोलो मेरे साथ, एक लाइन दो लाइन, ये क्या है, एक लाइन दो दो लाइन बताओ, दो लाइन दो लाइन क्या है, ये है कि 2.5 की सेटिंग 5 के साथ हुई तो वो 1-1 मैच करा लेंगे, और 3 की सेटिंग 6 के साथ हुई ये करा लेंगे, तो इन दोनों के बीच का एंगल ये होना चाहिए था, यहां तो ठीक है लेकिन यहां तो इसको दे दिया, अब इसको दे दिया तो हमको थोड़ी पता ही क्या है, हाँ अगर 2 को दिया रहता तो तीसरा हम सोच सकते थे, लेकिन एक ही दिया है तो दूसरा तीसरा हम क्या जानते हैं क्या होगा, समझ में आ रही बात, बोलो, तो हम कह नहीं सकते हैं, नथिंग कैन बी सैड, नथिंग कैन बी सैड, कुछ नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि ये हो सकता है ना कि ये भी 80 हो ये भी 80 हो जाए, और ये 80 हो ये भी 80 हो जाए, लेकिन वो भी नहीं होगा लग रहा है कि हो जाएगा, फिगर देखने से तो नहीं लग रहा है होगा, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल होना पड़ेगा, फिर
दो गो एंगल बराबर हो जाएगा तो, और ये 80 है, ये 80 हो जाए तो ये 3, तो ये भी 3 होगा। कहाँ इतना बड़ा, कहाँ इतनी सा पुद्दू सा, अरे इतना बड़ा है एक, इतने सा पुद्दू सा है, कहाँ से बराबर होगा? तो कह देंगे नॉट सिमिलर। क्या लिख देंगे इसको लिखने के बाद भी, क्या लिख देंगे? नॉट नॉट सिमिलर, नॉट सिमिलर बिकॉज बिकॉज एंगल एंगल इज नॉट इंक्लूडेड इंक्लूडेड बिटवीन साइड बिटवीन साइड इंक्लूडेड बिटवीन साइड्स। सही है ना? जब सिमिलर नहीं है तो बाकी आगे का राम कथा करने की जरूरत नहीं है। हाँ, यहाँ पे, हाँ बताओ। ये तो फिर क्वेश्चन थोड़ा सा देख लेंगे, क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? क्वेश्चन जो दिया गया है ना, यहाँ पे क्या दिया गया है? 80 डिग्री। क्या दिया गया है? 80 डिग्री। और यहाँ पे क्या दिया गया है? 30 डिग्री। तो थोड़ा सा और सब सही है ना? चलिए इसको भगा देते हैं इधर। अरे कर हम नहीं भागेंगे। चलो बताओ सिमिलर है कि नहीं है? जी जी हाँ, साबित कर दो कि लड़कियों के पास दिमाग कम नहीं होता है। खड़ी हो जा, मतलब इनडायरेक्ट तुमने नहीं, हम माने नहीं है, अभी आज के बाद मान जाएंगे। खड़ी हो जाओ, खड़ी हो जाओ, सोचो सिमिलर है कि नहीं। लाइफ लाइन ले सकती हो पूजा कुमारी, ऐसे ही टाइम खिंचवाओगे तो एक घंटा में पूरा नहीं होगा यार। होगा कैसे बताओ? हाँ, तो तीनों तीनों का सेटिंग हो जा रहा है, बस उल्टा दिया है। ठीक है, 80-80 तो सीधे दिख रहा है बराबर, 70-30 को देख के कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि 8 और 7 15 कितना डिग्री हुआ? 150। तो ये क्या डिग्री होना चाहिए? मजबूरी है ना इसकी? 8 3 11 110, तो क्या डिग्री हुआ? तो देखने में लग रहा था बराबर नहीं, क्योंकि उल्टा सीधा करके दिया था, लेकिन 70-70 के बराबर, 80-80 के बराबर, 30-30 के बराबर, तो क्या लिख देंगे? यस सिमिलर। तुमने प्रूफ कर दिया कि नहीं, तुम्हारे पास दिमाग है, तुम्हारे पास दिमाग है, ये प्रूफ कियो। सारी लड़कियों में भी और भी आती है। अगला क्वेश्चन लो के बाद, यस सिमिलर। उसके बाद भाई ट्रिपल ए सिमिलरिटी, सिमिलरिटी, और फिर उसके बाद सिंबॉलिकली क्या लिखोगे? कोई कंफ्यूजन नहीं, सीधा सीधी लिखा गया है, 70-80-30, 70-80-30। पी क्यू आर, समझ में आ गया? अब ये हो गया पूरी तरह से खत्म। अब आ जाते हैं हम लोग का क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ठीक है ना? मैं ये पूरा नहीं करूंगा, पूरा मैं नहीं लिखूंगा, मैं बस समझा दूंगा, आप लिख लीजिएगा, क्योंकि अगर अभी तक अगर हम जो पढ़ाए हैं अगर वो बात समझ में नहीं आया है तो वैसे भी ये समझ में नहीं आएगा, तो आप पहले वो देख लीजिए उसके बाद आइए। और अगर आप देख के आ रहे हैं तो मैं अगर समझाऊंगा तो भी आप समझ जाइएगा, क्योंकि समय कम है, आधा घंटा बचा हुआ है, अब आधा घंटा निकल गया लगभग, और आधा घंटा में हमको पूरा 16 क्वेश्चन कंप्लीट करना है। तुमको क्या लग रहा है, इधर टाइम जो चल रहा है वो मतलब ऐसे ही चल रहा है क्या? वहां 16:39 हो रहा, दिख नहीं रहा है? आ जाओ इधर, क्या करना है भैया? इस फिगर में आपको ये वाली बात दी गई है, ये वाली बात दी गई है, मतलब एंगल ओ किसके बराबर?
ओके, तो इसमें तो कोई दिक्कतें नहीं है। ओडीसी एक बार पढ़ लो, ओडीसी और ओबीए, ओबीए। तो जरा बताओ बीच में कौन है, बीच में कौन है, तो डी एंगल किसके बराबर, यानी डी यहाँ है तो बी यहाँ होगा, तो आपको बनाने की जरूरत है, और खुद ही नहीं ये बता दिया कि हम बने हुए हैं, हमें बना दो। समझ में आ रही है, हम बने हुए हैं क्योंकि एंगल डी एंगल बी के बराबर। चलिए तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, 70 डिग्री। क्या लिख देंगे, अब एंगल ए किसके बराबर, तो सी कहाँ है, यहाँ है, और ए कहाँ है, तो ये बराबर होगा, लेकिन कितना होगा नहीं मालूम, लेकिन बताया जा सकता है। देखो कैसे, ये 125 डिग्री है, समझो, बोला है ना बी ओ सी, बी ओ सी। अगर सोचो कि ये अगर 125 डिग्री है तो ये कितना बचा, क्योंकि ये लाइन है, ये एक लाइन है भाई, बोलो, जब एक लाइन है तो ये अगर 125 है तो ये कितना बचा, 180 में से घटा देंगे, कितना, 125, तो 100 घटाओगे तो 80, और फिर 80 में से 25 घटाओगे तो 20 घटाओ पहले, 60, फिर 5 घटा लो, 55 डिग्री। बुझा गया, यानी कि तुम्हारा जो एंगल ए ओ बी है वो कितना डिग्री है, ए ओ बी शायद पूछा भी है क्या, नहीं ये नहीं पूछा है, ये नहीं ने पूछा है, चलो नहीं पूछा है, लेकिन काम हो जाएगा हमारा। ये क्या डिग्री आ गया भाई, तो ये भी वर्टिकल अपोजिट एंगल से, बोलो, अब हमारा सब कुछ निकल जाएगा, ए कितना हो जाएगा, अगर हम पूछें कि एंगल ए क्या होगा, तो एंगल ए होगा 180 डिग्री माइनस 55 डिग्री और माइनस 70 डिग्री, होगा कि नहीं होगा, अरे घटाओगे ना दोनों यार, पागल हो गया, दोनों को घटाना होता है ना, तीसरा एंगल उतना ही बचेगा ना, एक माइनस ऐसे ब्रैकेट लगा के यहाँ प्लस लिखो, अंदर वा माइनस जाएगा तो क्या होगा, राज दुलारे, राज दुलारे, माइनस में बदलेंगे, पहले 70 घटाओ, घटाने है ना, एकदम हासिल वासिल लेके मत घटाया करो, 180 में से 70 घटाओ, 110, अब 110 में से 55 घटाना है, 5 हटाओ पहले, 50 घटाओ, 110 में से 50 घटाओ, 160, फिर 5 घटाओ, गलती बोल दिया ना, 170 होगा ना, कितना होगा, 110 डिग्री है ना, हाँ कितना घटाना है, 55, तो पहले क्या बोले, 50 घटा ले, तो 100 में से 50 घटाते तो कितना होता, 50 यानी 60 होगा, 60 में से और क्या घटाना पड़ेगा, 5, तो 60 में से 5 घटा तो 55 डिग्री। तो एंगल ए का मतलब, एंगल ए का मतलब ये ओ ए बी हो गया, तो एंगल ओ ए बी निकल गया, बोलो कोई दिक्कत, ये एक आंसर हो गया। फिर डी ओ सी पूछा था, तो डी ओ सी कितना हो गया, यही पे लिख दो, यही पे लिख दो बराबर, एंगल डी ओ सी कैसे, वर्टिकल अपोजिट एंगल से, ये भी निकल गया, और क्या पूछा था, डी ओ सी हो गया, डी सी ओ, डी सी ओ, तो ये वाला इसके बराबर था, और ये कितना आया था, ए, तो वो भी क्या हुआ, तो यहाँ क्या लिख देंगे, एंगल डी सी ओ बराबर 55 डिग्री, कैसे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल या फिर सिमिलैरिटी वाले से, सिमिलैरिटी वाले से बेटा, एंगल सी बराबर एंगल ए यूजिंग ट्रेंगल ओडीसी सिमिलर टू ट्रेंगल ओबीए, तो तीसरा पोजीशन सी और तीसरा पोजीशन ए, हो गया ना, बनवा ही लिए तुम हमसे ये भी, आ जाओ। अब देखो इसमें क्या कह रहा है कि डायगोनल्स ए सी एंड बी डी ऑफ अ ट्रेपेजियम ए बी सी डी, जिसमें ट्रेपेजियम में क्या पैरेलल है भाई, थोड़ा सा मोटा नहीं लग रहा है, अब ठीक है, आ जाओ इधर, हमको बोला गया है कि ए बी जो है वो किसके पैरेलल है, सी डी के है, डी सी के है, तो ए बी सी डी हो गया, ऑर्डर मैटर करता है, ए बी के बाद डी लिख दोगे गड़बड़ा जाएगा,
जब ट्रेपेजियम बोला है एबीसीडी तो हम भी ये ध्यान रखेंगे कि लगातार हो एबीसीडी, ठीक ना। उसमें ए बी पैरेलल डीसी है तो ए बी और डीसी पैरेलल दिखाई दे रहा है। उसके बाद हमें बोला इंटरसेक्ट इच अदर एट अ पॉइंट ओ, क्या इंटरसेक्ट किया? डायगोनल। क्या इंटरसेक्ट किया? चलो डायगोनल को इंटरसेक्ट करा लो। कहां पे किया है? ओ पे। अब क्या कह रहा है? यूजिंग सिमिलैरिटी क्रिटेरिया प्रूव दैट फॉर टू ट्रायंगल सो दैट ओ ए बाई ओ सी, ओ ए बाई ओ सी इज इक्वल टू ओ बी बाई ओ डी। याद करो इस चीज को प्रूफ किया गया था, इसको प्रूफ किया गया था 6.2 में, लेकिन विदाउट यूजिंग सिमिलैरिटी। कैसे? कंस्ट्रक्शन करके। यहाँ पे इस लाइन के पैरल खींचा गया था और फिर ये वाला साइड क्या होता था, बीओ अपॉन ओडी बराबर बीई अपॉन ईसी, और फिर इधर वाले ट्रेंगल में आते थे यहाँ वाले में, तो ये वाला साइड पैरेलल होता था, तो क्या कहते थे बीई अपॉन ईसी इज इक्वल टू ए अपॉन, तो दोनों में यही कॉमन आया तो इसीलिए दोनों बराबर हो गया। लेकिन सीधा सीधी बोला है यूजिंग सिमिलैरिटी क्रिटेरिया, है ना, आएगा प्रूफ करने, कल पूछेंगे सबसे, हम कल पढ़ाई नहीं कराएंगे, कल वैसे भी कौन सा दिन है, वेडनेसडे, लेकिन छुट्टी नहीं रहेगी, आपको आना है, और जो लोग नहीं आएंगे को दुलार करेंगे, आना है, और पूरा जितना पढ़ाए हैं अभी तक उस पूरे का टेस्ट मान लीजिए आप, नहीं तो आप पढ़ेंगे नहीं ना, पढ़ाई हो गया है ना भाई, स्कूल में एक बार पढ़े, इधर दोबारा पढ़ लिए, तो जब दोबारा पढ़ लिए तो अब तो आना ही चाहिए, तो खुद पे रख भरोसा और कल आ जा तुम मेरे राजा, तुम्हारा बजेगा बैंड बाजा, आ जाओ। तो अब जो है किस चीज का यूज करना है भाई, सिमिलैरिटी का यूज करना है। किसका यूज करना है? सिमिलैरिटी का। तो बहुत आराम से सिमिलैरिटी से प्रूफ होता है। कैसे? देखो हम जो है इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के क्या कर देंगे, सिमिलर कर देंगे, बराबर। बराबर क्या होता है रे? वही हो जाता है ना, वही सिमिलर। ये एंगल इसके बराबर होगा कि नहीं होगा? कैसे? लाइन पैरेलल है तो ये ट्रांसवर्सल हुआ, तो ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है, तो क्या लिख देंगे कि ट्रायंगल ओ ए बी सिमिलर टू ट्रायंगल ओ सी डी। समझना पड़ेगा, मैंने ऑर्डर को ध्यान में रखा है, ओ ए बी लिया है तो ए किसके था, ओ ओ के, तो पहला पोजीशन पे ओ लिखे तो पहला पोजीशन पे ओ लिखे, फिर ओ के बाद ए लिखे तो ओ के बाद सी लिखे, और फिर लास्ट में बी है, लास्ट में डी है, तो बी और डी मैच कर ही रहा है। हाँ, ये जरूर लिखना पड़ेगा कि ये सिमिलर हुआ तो कारण बताइए, तो कारण में लिख देंगे क्या, बोलो, कारण में लिख देंगे इसको एक, इसको लिख देंगे दो, इसको लिख देंगे तीन, इसको लिख देंगे चार, क्योंकि बार बार हम ऐसे बोलेंगे ओ ए बी ओ सी डी, कितना समय लगेगा, एग्जामिनर को भी समय लगेगा देखने में, एंगल एक बराबर एंगल तीन और एंगल दो बराबर एंगल चार, कैसे, सिंस ए बी पैरेलल डी सी, तो यूजिंग अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। और जैसे ही सिमिलर हुआ तो हम कहेंगे कि ओ ए के डिवाइड में कौन जाएगा, ओ सी, पहला दूसरा के डिवाइड में पहला दूसरा, दूसरा तीसरा के डिवाइड में दूसरा तीसरा, ए बी है ना, सी डी है ना, दूसरा तीसरा, पहला तीसरा, ओ बी पहला तीसरा, हमको जरूरत केवल पहला तीसरा का है, देखो ना, तो जब सब बराबर है तो ये भी तो बराबर है, बोलो हो गया प्रूफ, सोचो सिमिलैरिटी का यूज करके कितना लाइन में हो गया, एक लाइन, ये तो एक ही लाइन है ना, यही पे ना आ गया रे भाई, यही पे ना आ गया, समझ में आ गया, कल आना है आप लोगों को, और देखिए भागिएगा जितना उतना आप रिजल्ट से दूर जाइएगा, जान लीजिएगा, अगर आपका टारगेट दे दिया गया है कि जितना पढ़ाया गया है तमीज से उतना का आप जो है कल जो है आइए, हम कुछ कुछ क्वेश्चन आपको देंगे, आपको बैठना है, बनाना है, नहीं बनेगा आपस में डिस्कस करिएगा, ठीक है। लेकिन अगर नहीं कर नहीं आएंगे तो आप अपना नुकसान, हमको कहा, हम तो आराम सोएंगे, चादर तांगे।
चौथा जानते थे, चौथा बहुत लोगों को तबाह करता है ना। कभी ये चीज देखे हो, एक ट्रेंगल में अगर दो गो एंगल बराबर है तो दो गो साइडो बराबर होता है, वही कॉन्सेप्ट यूज होगा। बस खत्म। तुमको इसमें दिया है एक बराबर दो, हाँ एक कौन है और दो कौन है, ये पूरा है ना, केवल इतना है। तो ट्रेंगल कौन सा आइसोसलेस हुआ, ट्रेंगल कौन सा आइसोसलेस हुआ, बुझाया? तो कौन सा साइड बराबर हुआ, पी क्यू और पी आर, समझ में आया? यही बस यूज होता है इसमें। बच्चा इतना ही से परेशान हो जाता है, वही हम जानते हैं। तुम जो पूछे थे तो समझ गए कि क्या पूछोगे। अब आ जाओ देखते हैं, ठीक है। देखो तुम्हें दिया क्या है, तुम्हें दिया क्या है, बोला है कि इस फिगर में क्यू आर क्या है, क्यू एस और क्यू टू, क्यू टी के डिवाइड में पी आर। ये हम आपको क्या दे रहे हैं, बराबर दे रहे हैं। एंड क्या दे रहे हैं, एंगल वन बराबर, एंगल टू टी पी टी क्या है, ट्रेंगल पी क्यू एस सिमिलर टू ट्रेंगल टी क्यू आर। कोई दिक्कत, बोलो, समझ में आया? अब देखो ये जो ट्रेंगल है ना, एक और तरीका तुम्हें बता रहे हैं सोचने का। कभी कभी अगर एग्जाम में कंफ्यूजन हो तो एक और तरीका से सोच सकते हो। कहोगे कैसे सर? हम कहेंगे दो को छोटा ट्रेंगल ना खुद ही बना लो, ऐसे बना लिए, रामबाड़, रामबाड़ है ये, रामबाड़ एकदम, पी क्यू एस लिख लिए और एक तरफ, क्योंकि तुमने एकदम सीधा सीधा ही तो लिखा है, पी क्यू एस टी क्यू आर ऑर्डर में ही ना लिए हो, तो सिमिलर है। लेकिन कब सिमिलर कर पाओगे ये प्रूफ करना है, तो हिंट लेना है यहां से कि हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, तो हमें क्या करना है, हमें करना है पी क्यू के डिवाइड में। अच्छा एक बात बताओ, चलो या तो हम एंगल पी को एंगल टी के बराबर कर दें, एंगल क्यू को एंगल क्यू के बराबर कर दें, एंगल एस को एंगल आर के बराबर कर दें, तो ट्रिपल ए सिमिलरिटी से सिमिलर, या साइड एंगल साइड लगा लेंगे, या साइड 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 लगा लेंगे। लेकिन करना तो कौन है पता चल गया, तो अब ढूंढो कि क्या एंगल पी को टी के बराबर कर पाओगे। फिगर में जाओ, एंगल पी कहाँ है, तो एंगल पी में तो बहुत सारा पी है, तो पी कैसे पढ़ेंगे, क्यू पी एस क्यू पी एस, बुझाया, क्यू पी एस क्यू पी एस क्यू क्यू पी एस, यानी केवल इतना, केवल इतना, बुझाया कि नहीं बुझाया? क्यू पी एस का मतलब यहां से केवल यहां तक, बुझाया? ये एंगल की बात चल रही है, उधर नहीं जाएंगे। वो वाला एंगल किसके बराबर, टी के, टी के, तो टी तो अकेला है, टी तो अकेला है, तो क्या ये वाला एंगल को ये वाला एंगल के बराबर तुम कर पाओगे फटाक से? नहीं कर सकते हो, चांस कर पाओगे? बताओ, कोई ज्योमेट्री लग रहा है, पैरेलल हो जाएगा तो हो जाएगा ना, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल हो जाए तो, क्या ये लाइन और ये लाइन पैरेलल कर पाओगे? किया जा सकता है, रेशियो वगैरह दिया है शायद, देखा जाए, देखा जाए। अरे भाई एक ट्रेंगल में यहाँ पॉइंट बन रहा है और यहाँ पॉइंट बन रहा है, तो रेशियो से हो सकता है ना, तो दिया तो है रेशियो, देखा जाए। क्यू आर है और क्यू एस है, क्यू आर कहाँ है, क्यू आर पूरा है, और बोलो क्यू एस किधर है, क्यू एस किधर है, क्यू एस ठीक तो है, क्या दिक्कत है, ठीक तो है, समझ में आ रही कुछ? इधर देखो क्यू टी है, तो क्यू टी पूरा है, और आ जाओ पी आर, तो क्या होना चाहिए था, समझो एकदम ध्यान से, ठीक है, क्या दिया है हमको, क्यू आर, तो क्यू आर पूरा, क्यू आर मतलब पूरा डिवाइडेड बाई क्यू एस, क्यू मतलब यहाँ ऊपर से एस तक, ऊपर से एस तक, यानी पहले ऊपर से लेके एकदम आर तक, और फिर ऊपर से लेके कहाँ तक, एस तक, तो इधर भी वैसे ही होना चाहिए, तो इधर लेकिन है क्या, जो हमको दिया उसी से सोचेंगे, उसी से सोचेंगे, दूसरा कहाँ है मेरे पास कुछ, क्यू टी, तो क्यू टी फिर शुरू से अंत तक हुआ, शुरू से अंत तक हुआ कि नहीं हुआ, जैसे ये हुआ था, तो सेटिंग ठीक है। अब नीचे जो दिया गया है वो पी आर दे दिया, यही पे गड़बड़ हुआ, पी आर दिखा ना कुछ, वही चीज समझना होता है,
कि अगर एंगल एक एंगल दो बराबर दिया है ना, तो ये समझो कि वो नहीं दिया है तुम्हें, इनडायरेक्टली कुछ दिया है। जो डायरेक्ट दे दिया है ना वो यूज नहीं होता है, इनडायरेक्ट यूज होता है। इसलिए कभी भी ट्रेंगल में दो एंगल बराबर दे तो तुरंत थॉट प्रोसेस आना चाहिए कि दो साइड भी बराबर होगा। जैसे ही दो एक ट्रेंगल में दो गो एंगल बराबर दे दे तो तुम्हारे दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए कि दो साइड भी बराबर होगा, क्योंकि वो इनडायरेक्टली वही यूज कराएगा। डायरेक्ट वाला देके क्या यूज करा के कराएगा, वो डायरेक्टली कहेगा कि 70 डिग्री है तो क्या कर लोगे, कह दोगे हाँ 70 डिग्री है। इनडायरेक्टली दिया क्या, दो साइड बराबर, बुझाया। तो इस पी आर के जगह पे, इस पी आर के स्थान पे हम अगले स्टेप में क्या लिख देंगे, यहां पे आप लिखेंगे, ठीक है। ये क्या हो गया प्रूफ में, ये क्या हो गया प्रूफ में, क्या लिखेंगे कि सिंस दिस इज गिवन, दिस इज गिवन, और अगला स्टेप जो हमें जरूरत है क्यू आर अपॉन क्यू एस बराबर क्यू टी अपॉन पी आर की जगह पे, पी आर की जगह पे क्यू पी हो गया, बोलो। और जैसे ही ये हुआ, जैसे ही ये हुआ बाई कन्वर्स ऑफ, क्योंकि रेशियो बराबर आया है ना, तो रेशियो बराबर है तो कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से क्या हो जाएगा, क्यूटी पैरेलल, क्यूटी पैरेलल की पीएस रे भाई, क्या बोल रहा है यार तुम, पागल पागल हो गया क्या, हम देख नहीं फिगर, हम सोचे तुम्हारे भी भरोसा रखे, तुमको हम पे भरोसा मत रखिए सर, हम डुबा देंगे आपको। अरे नहीं सर, देखना है नहीं, इसी बोल देना है। अरे भैया ये पॉइंट और ये पॉइंट ना रेशियो में बटा है, तो ये साइड और ये साइड ना पैरेलल हुआ, यस सर, नो सर, वेरी गुड सर, करते रहो जिंदगी भर तुम लोग। पीएस पैरेलल टू टीआर, और जैसे ही पैरेलल हुआ, जैसे ही पैरेलल हुआ हम कह सकते हैं कि एंगल क्यू पी एस, और तुमको देखो एग्जामिनर को नहीं ज्यादा कंफ्यूज करवाना है तो यहां पे लिख दो, इस एंगल को एंगल वन लिख दो, जो ज्यादा सादा हो रहा है ना, ज्यादा वादा एंगल वन नहीं लिख सकते, वन यूज हुआ है, क्या लिख दो, तीन लिख दो, तीन यूज नहीं हुआ है, समझ आ रही बात, जो ज्यादा यूज हुआ है वो। अब एंगल टी को चार लिखने की क्या जरूरत है, एंगल टी खुद अकेला है, बुझाया। तो क्या लिख देंगे, एंगल क्यूपीएस की जगह पे क्या लिख देंगे भाई, एंगल तीन बराबर क्या, एंगल टी, एंगल तीन बराबर एंगल टी, हमारा उद्देश्य यही था एंगल पी को टी के बराबर करना। तो एंगल पी जो था वो कौन था, तीन ही ना था, QPS, QPS, तीन ही ना था, तो तीन चार, तीन और टी बराबर है, कैसे बराबर हुआ आप भाई, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, बुझाया कि नहीं बुझाया, कारण ढूंढना पड़ता है भैया, कारण आपने, आप देखो ये तो पता लगा लिए ना यहीं से कि पहला एंगल पहला के बराबर, तो ये तो बोलता है खुद हम बने हुए हैं आके बनाओ, ये खुद ने हिंट दिया कि मैं पी हूं मैं टी हूं, सिमिलर का सिंबोलिकल सही रहता है, तो प्रूफ दैट जब दिया है तो ये सही ना दिया है, तो जब सही दिया तो पी पी के बराबर है, तो हमें पता चल गया ना कि हमें क्या करना है, अब अपना दिमाग लगाएंगे, ज्योमेट्री लगाएंगे कैसे बराबर हुआ, हमको क्या पता चला कि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल हो जाए तो काम हो जाए, पैरेलल के लिए देखिए अरे रेशियो दिया था, तुरंत दिमाग में क्लिक किया थेल्स थ्योरम में ऐसा होता था कि अगर रेशियो बराबर तो लाइन पैरेलल, सब लिंक होना चाहिए फटाफट एकदम इधर से उधर, है ना, वो तभी लिंक होगा जब सुबह शाम दोपहर यही सब आता हो दिमाग में, वो आती हो तो फिर दिक्कत है, वो नहीं आनी चाहिए। आ जाओ तीन चार के बराबर क्या, एंगल क्यू को एंगल क्यू के बराबर कर सकते हैं, अरे अरे हो गया कॉमन है रे भाई, एंगल क्यू कॉमन, खत्म खत्म, दो एंगल बराबर तीसरा देखेंगे रे भाई, कैसे कह देंगे भाई, डबल ए सिमिलरिटी, तीसरा काहे लिए देखेंगे, हम जानते नहीं है कि दो एंगल बराबर होता है तो भी सिमिलर हो जाता है, तीसरा अपने आप बराबर हो जाता है, तो भाई एंगल एंगल सिमिलरिटी ट्रेंगल प्रूफ जो करना था पी क्यू एस, अपने से कुछ नहीं लिखेंगे, वही खुद बता देगा, ऑर्डर का ध्यान मत दो, यही लिख दो क्योंकि ये सही दिया गया है,
PQ is similar TQR. हम तुम्हें बस बता दे रहे हैं कि जिस तरह हम तुम्हें पढ़ा रहे हैं, अगर विश्वास मानो, अगर तुम खुद से घर पे जाओ और सोचो, आज गए बिना क्वेश्चन का सोल्यूशन देखे हुए खुद से सोचना शुरू करो, क्योंकि हमारे सुने हो, हमें समझे हो, तो दिमाग एक्टिव है, सोचने का तरीका है तुम्हारे पास, ब्लैंक नहीं हो तुम, कैसे शुरू करे कैसे नहीं। तो जब घर पे जाके बनाओगे तो क्या होगा, दिमाग तुम्हारा यूज होगा, इस्तेमाल होगा, कैसे किसको लिंक किया जा रहा है। फिर दो दिन बाद बना लो, फिर दो दिन बाद बना लो, तुम्हारा दिमाग का एक्सरसाइज होगा। जैसे बॉडी का एक्सरसाइज करने से बॉडी स्ट्रांग होती है, उसी तरह से दिमाग का एक्सरसाइज ऐसे किया जाता है। और आएगा, आएगा क्या नहीं, ब्रह्मा जी बनाए हैं सबको, तो आदमी बनाए तो ज्ञान तो दिए ही ना है समझने के लिए, वो अलग बात है कि हम कहीं और डाइवर्ट हो जाते हैं। नाम क्या तुम्हारा? हाँ अदन है कि नहीं? अदन तुम्हें तो डाइवर्ट हो जाते हो, नहीं होते हो वहां पे? हमेशा कोई नहीं होता बेटा, नहीं देना है, नहीं देना है, नहीं देना है। आप एक मिनट दीजिएगा ना तो दस मिनट की यादें आ जाएंगी, आप एक घंटा दीजिएगा ना दस घंटे की यादें आ जाएंगी। आप देख लीजिए, बैठिए खूब आराम से सोचिए कि बातिया तो एक दस मिनट किए थे, अब उसका प्लानिंग होगा, अब कब होगा, सुबह में कि शाम में? पापा आ गए, पापा आ गए, अब इंतजार कर रहे हैं कब आएगा, क्योंकि हम तो बधे हुए हैं, हम तो फ्री फंड आदमी, हम तो एकदम बिना मतलब, छोड़ो अब, आ जाओ इधर, समझ रहे बात को ना, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। देखो पढ़ाई ये जो चीज है ना, अब समझ लो कि अगर तुम्हारे जिंदगी में कोई नहीं है और केवल ये पढ़ाई लिखाई है तो तुम बहुत आगे जाओ, और जहां आई ना बर्बाद करके जाएगी। टाइम देंगे ही नहीं ना, टाइम कौन सी का, पढ़ाई का समय है, पढ़ाई पर ध्यान देंगे, पिताजी उसके लिए है ना, ढूंढ देंगे। नहीं, सबका समय बनाया गया है, जो जिस समय पे है वही समय पे करना चाहिए। तुम वही मत सोचो कि पापा का काम हम आसान कर दें, कम से कम इतना पढ़ा लिखा रहे हैं, कम से कम एक काम आसान तो करना चाहिए। नहीं गदों, आ जाओ एंगल क्वेश्चन नंबर पांच पे काम करते हैं। क्या है भाई क्वेश्चन नंबर पांच में कह रहा है, इसका फिगर नहीं दिया है, एस एन टी आर द पॉइंट्स ऑन द साइड पी आर एंड क्यू आर। पी आर पे कौन? एस। क्यू आर पे? टी। ऑफ ट्रेंगल पी क्यू आर, तो पी क्यू आर बना लो भाई, पी क्यू आर बना लो, कोई भी स्पेशल फिगर नहीं बनाएंगे, रेंडम फिगर बनाएंगे। समझ में आ रही बात? हो गया पी, हो गया क्यू, और हो गया कौन किस पे? पी आर पे एस, पी आर पी आर पी आर एस, पी आर एस पी आर एस, हो गया क्यू आर टी, क्यू आर टी क्यू आर टी, हो गया। हमको नहीं पता है, हम अंदाजे रख दिए, लेकिन सच दैट बोला है, सच दैट मतलब कंडीशन है। क्या कंडीशन है? कि एंगल पी जो है आर टी एस के बराबर है, आर 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 टी 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 एस, यानी ये वाला जो एंगल है वो इसके बराबर है। समझ में आया? आर टी एस एंगल किसके बराबर? देखो ये भी बहुत अच्छा आदमी है, एंगल पी अकेला था, अकेला दे दिया, इसमें नहीं बोला क्यू पी आर, नहीं ना बोला, जबकि आर टी एस बोला, आर टी एस, क्योंकि एगो टी इधर भी तो है। बोलो, समझदार है ये? उसी तरह से तुम्हें भी समझाना है, हम इसको एक बोल देंगे, तुम भी समझो हम भी समझेंगे, इसको तो बोलने की जरूरत नहीं, इसको बोल देंगे एक, है ना। आ जाओ, सो दैट, सो दैट ट्रेंगल आर पी क्यू, आर पी क्यू देख लो, आर पी क्यू यानी पूरा ट्रेंगल, सिमिलर टू आर टी एस, आर टी एस, दोनों में आर कॉमन है रे भाई, आई को जी बराबर दिया, आपका चाहिए। नहीं समझे?
अरे भाई बड़ा वाला ट्रेंगल था कि नहीं, पी आर पी क्यू में, आर पी क्यू बड़ा वाला ट्रेंगल था कि नहीं सर? बोल जल्दी, बोल जल्दी बोल। आर था, आ पी था, आ क्यू था, और इधर यह क्या था? आर टी एस। तो आर ये है, टी ए और एस ये है, तो ये दोनों में कॉमन नहीं दिख रहा है। अरे भाई आ ये वाला बराबर नहीं दिया है, तो हो गया, बस लिखना बाकी है, सीधा लिखेंगे प्रूफ। इकूद कहता है कि हम प्रूफ है, आप प्रूफ कर, नहीं समझे? क्या लिख देंगे भैया? इंट्रेंगल, इंट्रेंगल यही जो दिया है प्रूफ करने के लिए, वही इंट्रेंगल आर पी क्यू एंड आर टी एस, आर टी एस एंगल आर बराबर एंगल आर, कैसे? कॉमन, कॉमन मतलब दोनों एक ही है, दोनों एक ही है, वो बदलेगा नहीं, चाहे कौन बड़ा वाला ट्रेंगल लोगे तो भी वही है, छोटा वाला लोगे वही है। एंगल पी बराबर एंगल आर टी एस, ये कैसे दे ले बटे? तो भाई एंगल एंगल काहे तीसरा बराबर करे, अपना माथा पेची करे, ये होता है कि नहीं होता है? होता है ना डबल सिमिलैरिटी। तो भाई एंगल एंगल सिमिलैरिटी ट्रेंगल आर पी क्यू लपेटा गया आर टी एस में, हा? हो गया प्रूफ, बुझाया कि ना बुझाया? आ जाओ छे पे, ये बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, कंफ्यूज करने वाला, विचार कर किया जाए। क्या दिया है देखो, ये इफ है, इफ मतलब, इफ मतलब, अच्छा ये किसका सिंबल है रे भाई? मतलब हु बहु सेम, हु बहु तो कौन हु बहु? आओ देखते हैं, ए बी ई, ए बी ई, ए बी ई, ए बी ई बोलते रहो, फिगर में जाते रहो, ऐसे क्वेश्चन बनाने का तरीका होता है एग्जामिनेशन हॉल में, ए बी ई बोलते जाओ, फिगर में जाओ, ए है यहाँ, बी है यहाँ, ए बी ई दिखाई दिया, और किसके वो कॉन्ग्रुएंट? ए ए सी डी दिखाई दिया, सुना? बोलो करना क्या है, करना क्या है, करना क्या है? ए डी ई कहाँ है भाई? ए डी ई छोटका, ऊपर वाला छोटका, सिमिलर ए बी सी पूरे के सिमिलर, सही है? अरे बोलो, देखो अगर इसको सिमिलर करना है तो एक एंगल तो सीधे कॉमन है, उसका तो छोड़ दो, एंगल ए बराबर कॉमन, क्योंकि ये लिखोगे ना, लिखोगे ना इंट्रेंगल ए डी ई एंड ए बी सी, तो एंगल ए बराबर एंगल ए, उसमें तो निसंदेह दोनों में कॉमन है, तो बात बराबर है, तो कॉमन एंगल है। हाँ अब जब आओगे तो डी बोलोगे, बोलो, तो ए डी ई, ए डी ई यानी ये वाला एंगल, बोलो बोलो, और इधर ए बी सी, तो ए बी सी ये पूरा एंगल, हाँ बराबर करना पड़ेगा तुम्हें, या फिर ई पे आओ, ई पे आओ, तो ए डी ई में ई जब बोलोगे तो ई कौन होगा? ई को बीच में रखना होगा ना, और डी तो ए ई डी पढ़ो, तो ए ई डी ये पूरा, बोलो बराबर करना पड़ेगा सी के, सी मतलब ए सी बी, ए सी बी होगा, चलो देखा जाएगा, ए सी बी, ए सी बी कहाँ है रे भाई? गलती की नहीं ना है हम? हाँ ठीक है, ए सी बी कहाँ है? ए सी बी ये पूरा, हाँ बोलो, ए ई डी, ए ई वहाँ गलती किए नहीं है हम? ए ई डी बोला है तो ए ई डी केवल ऊपरे वाला ना होगा रे भाई, हाँ यही ना होगा? तो ये एंगल इस पूरे एंगल के क्या करना है? बराबर करना है, समझ में आ गया? कैसे करेंगे? दिमाग लगाइए, आपको हम दो मिनट का समय देते हैं, आ जाओ। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, है ना, एंगल ए बराबर एंगल ए, कोई दिक्कत?
उसके बाद हम ये कह सकते हैं कि अगर हमको क्या दिया है, ट्रेंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट टू ट्रेंगल ए सी डी, तो हम ये कह सकते हैं कि ए बी की लंबाई पहला दूसरा की लंबाई पहला दूसरा के बराबर होगा और पहला तीसरा की लंबाई ए ई पहला तीसरा के बराबर होगा, बी ई की जरूरत पड़ेगी नहीं। ठीक है, दो ही से काम चलाते हैं। अब हम ये कह सकते हैं कि अगर हम को ए डी ई को सिमिलर प्रूफ करना है ए बी ई के, तो हमारा उद्देश्य बन रहा है कि ये एंगल को हम किस तरह से इस एंगल के बराबर कर दें और इस एंगल को किस तरह से इस एंगल के बराबर कर दें। तो उसके लिए हम सोचेंगे कि ये रेशियो बराबर किया जा सकता है कि नहीं, ए डी बाई ए बी, क्योंकि बड़ा ट्रेंगल वाली बात है तो ये किया जा सकता है, क्योंकि हम ये सोच रहे हैं कि एक तरफ जो है हम ए डी बाई क्या लिख दें ए बी, क्या लिख दें ए बी, कोई दिक्कत, और दूसरी तरफ हम ये चेक करें, क्या चेक करें ए ई बाई ए सी, तो हमें पता चलेगा, हमें पता चलेगा कि ये भैया साहब बराबर हैं। कैसे, क्योंकि ए डी बाई डी बी ए बी को हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए ई की लंबाई किसके बराबर, ए डी के, तो अगेन ए डी बोलो, और ए सी की लंबाई, बात समझ में आ रहा है, या फिर हम ये भी लिख सकते हैं ए डी बाई ए बी बराबर ए डी बाई ए बी, बुझाया, ये तो क्लियरली है बराबर। उसके बाद ए डी को ए डी, ए बी को ए बी, और यहां वाला ए डी को क्या ए, क्लियर है, और बटे में ए बी को क्या ए सी। अब ऐसा आ जाने से क्या हुआ कि ए डी बाई ए बी बराबर ए ई बाई ए सी आया, बोलो, तो भाई कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम डी ई जो है वो पैरेलल हो गया किसके, बी सी के, और जैसे ही पैरेलल हुआ तो एंगल डी बराबर एंगल बी, बोलो, तो एंगल डी पूरा लिख दो ए डी ई बराबर एंगल ए बी सी एंड एंगल ए ई ए ई डी बराबर एंगल ए सी बी, तो भाई एंगल सिमिलारिटी ट्रेंगल ए डी ई सिमिलर टू ट्रेंगल ए बी सी, ये प्रूफ करना था ना, प्रूफ हो गया। छवे को अभी खत्म हो रहे भाई, टाइम कितना हुआ, 1 घंटा 2 मिनट। चलिए 7 नंबर किया जाए या छोड़ दिया जाए, कल कराएं, हाँ चलिए, तो हाँ अब कल क्लास नहीं होगा आप लोगों का, है ना, कल जो है आप लोग आइए, टेस्ट नहीं होगा, आप आपस में मतलब डिस्कशन क्लास कर सकते हो, आप में हम क्वेश्चन देंगे आपको बनाना है और नहीं आएगा तो आपस में सब लोग लड़का लड़की एक साथ बैठ के डिस्कस करें, ठीक है ना, कोई दिक्कत मेरे भाई। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को क्या करेंगे, लाइक जरूर करेंगे, चैनल पे नए हैं तो क्या करिएगा, सब्सक्राइब करके जाइएगा, और थोड़ा सा अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्यार भरा कमेंट भी देखिएगा, ठीक है ना। कैमरा जल्दी ही आ जाएगा, और कैमरा जब आ जाएगा तो हम लोग लाइव भी बहुत सारा क्लासेस करेंगे, ठीक है ना, ऑनलाइन क्लास में तो खूब बकैती छाट रहे हो गया ना, हेल्प कर दिया जाए सर को, और पता चल रहा है कि सब भाग गया सबका, ऐसे होता है हेल्प। चलो मेरे भाई बहुत बहुत धन्यवाद, चलिए कोई बात नहीं, आप पढ़ते रहें, आप रिजल्ट बढ़िया थे वही मेरे लिए बेहतर है, आ जाइए।